एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित नगलिया जट गांव पहुंचा। लगभग 6500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में भगवती देवी इस गांव की प्रधान है, जिन्होंने गाँव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। गाँव में प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यो की जब एबीपीएस न्यूज टीम ने समीक्षा की तो पाया कि ग्राम प्रधान ने गाँव में लगभग 150 बिजली के पोल लगवाए हैं, वहीं 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी उनके द्वारा लगवाए गए हैं, जिससे गांव में बिजली की आपूर्ति की जा सके। इसी के अलावा प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 35 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे गांव में पानी की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभ, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो गाँव में शिक्षा के बेहतर दर्जे को दर्शाता है। मैं रवि कुमार, प्रधान पुत्र, ग्राम पंचायत। तब से हमारे पे प्रधानी आई है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है मेरी नज़रों में भी, गांव वालों की नज़रों में भी। मैंने सीसी रोड, खड़ंजे सब काम कराए हैं, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई हैं, सोलर लाइटें भी लगवाई हैं। लगभग 150 स्ट्रीट लाइटें मैं लगवा चुका हूँ, 11 लगभग सोलर लाइटें लगवा चुका हूँ। विकास का काम तो लगभग सही, बहुत अच्छा, गांव वालों की नज़रों में भी बहुत अच्छा। हमारी कोई बुराई भी नहीं करेगा इस मामले में, क्योंकि मैंने जो नालियों की अधिकतर समस्या रहती है, तो नाली की समस्या भी मैंने एक ही बार में, हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव पड़ते हैं, मिलक, नगलिया, सरकड़ा, तो मैंने एक एक करके तीनों गाँव में जो नाली की समस्या थी, छोटे मोटे पानी की समस्या थी, वो पहले मैंने सभी सही करा दिया। पहले मिलक का कराया, फिर नगलिया का कराया, सरकड़े का कराया। इस तरह से नाली की भी कोई समस्या नहीं है आज की डेट में। हमारे यहाँ जो समस्या, जो मेन समस्या है, वो हमारे यहाँ जो शमशान घाट है, जगह तो है एक एकड़ उसकी, लेकिन बना हुआ नहीं है ठीक से। वो बन जाए अंत्येष्टि स्थल, जो अभी पीछे हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 5 आए थे, लगभग 24 लाख की कॉस्ट वाले, अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि वहाँ तालाब है, गड्ढा है, वहाँ ज़रूरत है बड़े ज़्यादा पैसा खर्च करने की, तो अंत्येष्टि स्थल हो जाए, अरे पानी की टंकी का हो जाए, पानी की टंकी हो जाए। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र, जो मेन समस्याएँ हैं वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पानी की टंकी का मैंने आपको बता ही दिया, पानी की टंकी नहीं है साहब, तुम्हारे की बारात घर भी नहीं है, पंचायत घर भी नहीं है हमारे यहाँ। ये मेन समस्या है, कुछ ये हो जाए, बाकी हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी सब सही है। नगलिया में भी, मिलक में भी, आवासों का काम भी सही है। हमारे यहाँ लगभग 20-22 आए थे, कुछ मृतक है उसमें, जो मृतक नाम हटा दिए गए हैं, जिनकी औलाद है, जो पात्र हैं, लेने लायक हैं, हमने उन्हें भी दिलवाया है, उन्हें भी दिलवाए हैं, उन पर अभी भी काम चल रहा है। और जो लोग रह गए, जो लोग पात्र हैं, जो लोग रह गए, तो उसमें रहने वाले नामों में जो सूची मांगी गई थी, शासन आदेश था कि सभी ग्राम प्रधानों को जो छठे हुए नाम है वो देने हैं, तो हमने वो सूची भी दे दी है। वो सूची देने के बाद हमारे यहाँ शौचालय का काम भी बस शुरू ही होने वाला है, ऐसा मानो। इवन अब तक पैसा आया नहीं है, पैसा आते ही शौचालय का काम भी शुरू हो जाएगा। बस रास्तों का सब हमारे यहाँ ठीक ठाक है ही, शौचालय का और आ जाए बस ठीक है टोटल। और कोई हमारे यहाँ से ज़्यादा खास समस्या नहीं है, जो मेन समस्या वो बस यही है जो मैंने आपको 4-5 गिना, पानी की टंकी, बारात घर, पंचायत घर, एक स्वास्थ्य केंद्र आ जाए। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी तो 4 हैं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और आंगनबाड़ी केंद्र हो जाए। बस सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही हमारी प्रार्थना है, निवेदन है हमारा, कि बस ये चीज़ें हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।